हेलो, नमस्कार। मैं एक भरे पूरे परिवार में रहा हूँ। बचपन में मैं जिस परिवार में पला बड़ा हूँ वो एक जॉइंट फैमिली हुआ करता था, और जॉइंट फैमिली के अलग एडवांटेज हैं। आज मैं आपको वो सब बातें बताने वाला हूँ जो जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और आपने कहीं ना कहीं अपने घर में भी ये देखा होगा। मेरा ये एक प्रयास है कि मैं आपको वो बात वापस दोहरा दूं जो कि बहुत सहज है, सरल है और जीवन में बड़ी सार्थकता रखती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल गए साहब। और अगर यदि मैं दोबारा दोहरा दूं तो आप ही के काम आएगा, मेरे भी काम आएगा। तो अपने आप को रिमाइंड करते हुए मैं आप सब तक ये बात पहुंचाना चाहता था। डू नॉट ट्राई टू हेल्प अनलेस रिक्वेस्टेड। डोंट इम्पोज योरसेल्फ ऑन एनीवन। डोंट ट्राई टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस फ्रॉम ऑल द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट लव देम। अपने आप को मत किसी के तरफ डालिए, बोझ मत बनाइए, दूसरों को तकलीफ मत दीजिए। कभी आपको मदद मांगी तो ही दीजिए, है ना। बड़ा सिंपल है, ऐसा मेरे दादा दादी नाना नानी कहा करते थे। अपने जितने भी साथीदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, इन सबको आप दो ही चीज़ दे सकते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि आप उन्हें प्यार करो, और दूसरा उन पर विश्वास करो। ये दो से बड़ी चीज़ नहीं है। यही था एक पहला। दूसरा, डोंट कंप्लेंट अबाउट योर हेल्थ, योर नेबर्स, योर गवर्नमेंट, योर रिटायरमेंट, एंड डोंट टर्न इंटू एन ओल्ड क्वारल। बहुत सिंपल है, आपके बस में कुछ भी नहीं है। आप वोट देने जाते हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो आप उनको तो कभी ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम अपने आप को कीजिएगा। आप ही संगठित नहीं हुए तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? रिटायरमेंट का प्लान आपको मालूम है, आपको करना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। आपको रिटायरमेंट प्लान, इतनी सारी पॉलिसीज पड़ी है, आपको करना है। आप यदि अच्छा खा ही नहीं रहे हैं और ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी हेल्थ पे, तो फिर कंप्लेंट किस बात का साहब? और पुरानी बातों का तो झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। ये दूसरा था। तीसरा, डोंट एक्सपेक्ट ग्रैटिट्यूड फ्रॉम चिल्ड्रन। रिमेंबर, देर आर नो अनग्रेटफुल चिल्ड्रन, बट देर आर डेफिनेटली स्टूपिड पेरेंट्स हु एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू शो ग्रैटिट्यूड टू देम। इसका मतलब ये है, ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके आचार विचार व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए। यदि आप ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड आप दे रहे हो, दर्शा रहे हो अपने फैमिली में, तो आपको मिलेगा। जैसे कि आप गेन रिस्पेक्ट, यू नीड टू गिव रिस्पेक्ट फर्स्ट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेन इट, राइट। चौथा, डोंट से फ्रेजेस लाइक मी एट योर एज, आई गिव यू द बेस्ट ईयर्स, आई एम ओल्डर सो आई नो बेटर। दिस इज जनरली नॉट वेल रिसीव्ड। जो आप नहीं पसंद करते साहब, वो दूसरों को मत दीजिए। किसी को भी पसंद नहीं आता, ज्ञान नहीं पसंद आता। दूसरा, आप उम्र में बड़े हैं तो क्या हुआ, आप समझदार हैं तो क्या हुआ, लेकिन मेच्योरिटी एज नहीं बताती। हाँ, ये बात जरूर है कि आप एक्सपीरियंस है तो आपके पास में कुछ ज़्यादा है सोचने, बोलने के लिए और बताने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि छोटे उम्र वाले कहीं समझदार नहीं होते। तो मत फोर्स कीजिएगा। डोंट वेस्ट योर लास्ट मनी ऑन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, इट्स यूजलेस। बेटर स्पेंड इट ऑन ट्रैवल और ट्रिप और एक्सपीडिशन। मतलब थक जाओगे आप। एंटी एजिंग फॉर्मूला कभी भी किसी को कम उम्र का नहीं दिखाता है। 20 साल लगाओ आप फेयर एंड लवली, तो भी ना फेयर होंगे ना लवली होंगे। आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, झांक के देखिएगा जितने भी बिजनेस टाइकून है जो बाल्ड है। मैं भी शायद होने जा रहा हूं तो बिजनेस टाइकून डेफिनेटली बनूंगा, लेकिन अगर वो बाल ला सकते तो क्या बात है। जो नेचुरल फिनोमेना उस पर रहिएगा। अगर पैसे खर्च करने ही पड़े आपको तो पैसे खर्च कीजिएगा। बड़े बड़े ट्रैकिंग पे, एक्सपीडिशन पे, ट्रैवल पे, प्लेसेस पे जाइए। उनसे अच्छा कोई भी रेजुवेनेशन नहीं देगा। आपको एक फ्रेशनेस लाना है, आपके ज़िंदगी में एक नयापन लाना है। घूमिए, क्योंकि नए लोग मिलेंगे और नए चेहरे मिलेंगे, नया तजुर्बा आएगा, तभी तो मज़ा आएगा ज़िंदगी में, है कि नहीं। ये मेरा पाँचवा है। पाँचवा, Do try to keep up with time at all cost. Under new technologies, so learn them. Obsessively follow the news, but try to follow a good news channel and the authentic one. Constantly study one book. There are business tycoons who study, who go through reading. You know, they take it very, very seriously. 50 किताबें वो पढ़ते हैं एक साल में। हम तो आम हैं, यदि हमने 25 भी पढ़ ली तो हम एटलीस्ट आधा वो जो कर रहे हैं वो कर पाए। मगर यहाँ कहने और समझने वाली बात यह है कि यदि 50 किताबें आप पढ़ ले और वो पढ़ ले जो काम की है, तो आप भी कहीं उस कगार में आगे ना बढ़ जाए जैसे कि बिजनेस टाइकून्स पढ़े हैं बड़े बड़े। एलन मस्क, जेफ बेसोस ले लीजिए, जैक मा ले लीजिए, रिचर्ड ब्रांसन ले लीजिए, जितने भी नाम ले रहा हूँ मैं, सब किताबों के कीड़े हैं।
अब अगर आप ये मान लें कि ये पढ़कर कुछ बन सकते हैं तो हम भी डेफिनेटली बनेंगे. राइट, डू नॉट फॉल बिहाइंड इन टाइम, दिस इज फन, डू वॉट यू वॉन्ट एंड व्हाइल यू कैन प्लीज. इसका मतलब ये है कि समय है, इस पे समय के साथ चलिए. समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, तो आपको उसके अनुकूल चलते रहना पड़ेगा. राइट, उसके साथ साथ चलते रहना पड़ेगा. जल के साथ बहेंगे तो आप शुद्ध कहलाएंगे, अगर थम गए तो फिर थमा हुआ जल तालाब का गंदा पानी कहलाता है. डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर एनीथिंग. व्हाटएवर हैपेंड टू योर लाइफ, आई थिंक इट वाज योर कॉन्शियस डिसीजन, एंड व्हाटएवर यू कुड पॉसिबली डू, यू हैव डन इट. राइट, यू हैव डन योर बिट. आप अपने आप को ब्लेम करेंगे हर बात के लिए कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई में पैसे नहीं दे पाया, मैं उनको इनकरेज नहीं कर पाया, मैं उन्हें समय नहीं दे पाया. ये आप जानते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है, तो पहले ही सतर्क हो जाइए, वो पहले ही कर लीजिए, प्रिवेंटिव मेजर लीजिएगा. तब जाकर आपको ये अफसोस, रिग्रेशन की तरफ जाने से तो अच्छा है कि हम पहले ये कर लें, इससे अच्छी बात ही क्या है. छठवां ये कहता है कि प्रिजर्व योर डिग्निटी इन एनी सिचुएशन टिल द एंड, डू योर बेस्ट. And this is the very, very important. आप अपनी dignity कैसे maintain करेंगे साहब? जो आपका self-respect है या self-esteem है, या आपको लग रहा है कि दो रिश्तों में कभी तो भी कमतरता आ रही है और आप उनके साथ में सिर्फ व्यवहार के रूप में अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो उतना रहिए, लेकिन समझ जाइए कि आपके self-respect अगर दांव पर है. अलग अलग तरह के लोग हैं साहब, आप चूज करेंगे, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपका शरीर है, आपका हैप्पीनेस है, तो यदि आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे और दूसरे की तरफ दे देंगे तो क्या बात है. अपनी रिस्पेक्ट हमेशा आपके हाथ में रहती है और वही डिग्निटी कहलाती है. डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग यही होता है कि अपने रिस्पेक्ट को इंटैक्ट करके चलिए, किसी को छूने मत दीजिए. आप हाँ कहिए, आप ना कहिए, कभी ब्लंट रहना तो रहिएगा, और खुशी अगर आती है किसी बात की तो खुश हो जाइए, हंसिए उनके साथ, खाना खाना है खाइए, मिलजुल के रहना है रहिए, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए और जो बात आपको लगती है कि ये एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार उन्हें मौका मत दीजिए, उन्हें साफ बता दीजिए कि भैया हम ऐसे हैं और आपके साथ इतना ही रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. ये दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर उनकी जिंदगी में नहीं है तो उनका कुछ बुरा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. एंड रिमेंबर, इफ यू आर स्टिल अलाइव समवन नीड्स यू, यू आर द बेस्ट. अगर आप जिंदा हैं तो आप किसी ना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझना है. और वो जो इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए हो आप, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उन्हें पहचानिए, उनको करीब रखिए, उनके साथ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप अगर सबसे उत्तम हैं तो वो लोग आपको उत्तम बना रहे हैं. उम्मीद करता हूँ कि दादा दादी, नाना नानी और ये सहजता से जो जिंदगी में हमने आईना बनकर झांक कर देखने की कोशिश की है, ये हमें और अच्छा बनाएगा. आज के बाद ख्याल रखिएगा इन बातों का. धन्यवाद.